यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कीबोर्ड में की को प्रेस करने पर विंडो का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। और सपोज़ ए की, बी की और सी की तीन की हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर सेट करने वाले रेड, सेकेंड हम दे देते हैं ग्रीन, और थर्ड वाले पर हमने दे दिया ब्लू। अच्छा, लिखने का तरीका यहाँ पर कैसा यूज़ करना है? आपने लिखा कि हाइफ़न ए, के यहाँ पर कैपिटल आने वाला है, कि हाइफ़न बी, और फिर आपने क्या लिख दिया कि हाइफ़न सी। और इतना करने के बाद अब हमने क्या करा कि इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पर रन करा, ठीक है? तो विंडो यहाँ पर आकर बिल्कुल डिस्प्ले हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर की ए को प्रेस करते हैं, ठीक है? तो राइट, बी पर कौन सा कलर सेट करा है? ग्रीन, और सी पर ब्लू कलर है आई थिंक, ठीक है? तो इस टाइप से फिर से हमने यदि यहाँ पर क्लिक कर दिया बी पर, हमने क्लिक कर दिया ए पर, तो यहाँ पर कलर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो की को प्रेस करने पर कैसे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अभी सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। आगे सारे टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। आप यदि गेम बनाते हो, यदि आप कैलसी वगैरह बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाकर तैयार करते हो, सब जगह इनका बिल्कुल यूज़ होने वाला ही है। इसलिए एक एक कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा।